छठारा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, उसी क्रम में हम आज छंद नंबर 12 करेंगे और इस छंद में नरक के दुखों का ही वर्णन किया गया है। तो आइए हम छंद पढ़ते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु निरते प्यास न जाय, त्यो पण एक बूंद न हराय। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि वहां पर शरीर के टुकड़े तिल तिल के दाने के तिल के बराबर तिल तिल करे देह, तिल के दाने के बराबर उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, दूसरे के टुकड़े कर देते हैं शरीर के, है ना। इतना टुकड़े हो जाते हैं कि तिल का जो दाना होता है इतने छोटे छोटे शरीर के टुकड़े कर देते हैं, और फिर भी उनका वहाँ पर मरण नहीं होता है, फिर भी वहाँ उनका मरण नहीं होता है और वापस वो शरीर जुड़ जाते हैं, वापस शरीर जो टुकड़े हो गए थे वो वापस जुड़ जाते हैं, वापस नातिक अपना शरीर बन जाता है। और वहाँ पर असुर कुमार जाति के देव आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं, उन्हें स्मरण देना है कि तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा किया था, तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा इसने ऐसा किया, तो आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं लड़ाते हैं। और ये अवस्था तीसरे नरक तक है, तीसरे नरक के बाद नहीं, तीसरे नरक की अवस्था है। असुर कुमार जाति के देव वहाँ जाते हैं। ये असुर कुमार जाति के देव भवनवासी देवों का एक कुल का नाम है, असुर कुमार जाति के देव, है ना। और त्रिवो परिणति में आया है कि ये कौन कौन से हैं असुर कुमार जाति के देव, तो वहाँ नाम आए हैं, मेरे को भी पढ़ने को मिला, मैं आपको बता रहा हूँ। सिकतान, असीपत्र, महाबल, महाकाल, श्याम, सबल, रुद्र, अमरीश, विवसित, महारुद्र, महाखर, काल, अग्निरुद्र, कुंभ और वेतरणी आदि असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकी जीवों को क्रोध उत्पन्न कराते हैं। ये तीसरे नरक तक वहाँ जा करके सब रहते हैं। अब सोचो, है ना, तो ये सारे के सारे वहाँ पर देव ऐसे होते हैं। अब तिल, अब क्या होगा, सिंधु निरते प्यास न, अंधे सिंधु ने समुद्र इतना पानी भी अगर वहाँ पी जाए तो भी प्यास नहीं बुझती उनकी, फिर वहाँ एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलता है। सोचो, सिंधु नदी समुद्र इतना बड़ा पानी सब पी जाते हैं पूरा, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, फिर भी वहाँ एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलता है। ऐसे नरकों में दुख हैं, ऐसे नरकों के दुख सब व्यक्ति भोगते हैं। आप भी इन नरकों के दुखों का स्मरण करते करते हुए इन पापों से बचें कि हमें नरक न जाना पड़े। तो ये नरक के दुख हम इससे छड़ावा पड़ रहे हैं कि इनको सुन सुन करके हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि नरक में बहुत दुख है, तो हम कम से कम नरक जाने ऐसा काम अपने जीवन में न करें। वह महावीर भगवान की जय। आचार्य अभिनंदन सागर जी, आचार्य अनुभव सागर जी, चरणों में नमन।